भाई कल नोएडा में बिल्डिंग गिरी तो हमें लगा जरा इसको भी देखने आ जाइए, बढ़िया है कि नहीं है। तो जरा देख लो आप सुपरनोवा की बिल्डिंग। बहुत सी पब्लिक ये जान रही है कि सुपरनोवा की बिल्डिंग गिरी, लेकिन भाई वो सुपर टेक है, सुपरनोवा नहीं। अब आप ये बोल रहे होंगे कि चक्कर क्या है भाई यहाँ पे है कि भाई। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज बहुत देर बाद ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हम बाहर निकले घूमने के लिए। घूमने के लिए कहाँ पे हैं आप? बिल्डिंग देख के वैसे समझ तो गए होंगे। ये देखो और ढंग से देख रहे हो इस बिल्डिंग को एक बार कि ये करेगी तो क्या होगा। मम्मी क्या हो गया? हाँ भाई जब देख रही हूँ मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे गाइस, हम फिर जाएंगे अपने काम को करने के लिए। मम्मी ही छोड़ दे, काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, रोडन नहीं बनाने लग जाए मम्मी। भाई बिल्डिंग देख लो एक बार आप ढंग से, फिर ये बोले भाई दिखाई नहीं है। देखो कैमरा यहाँ स्टार्ट करूंगा और ये खत्म ही नहीं हो रही सही में। मम्मी घनी बड़ी है तो ये है भाई सुपरनोवा की बिल्डिंग, जो हमारी दिल्ली इंसार की सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से एक है। सो गाइस वेलकम टू नोएडा। भाई हम नोएडा आ चुके हैं। नोएडा किस लिए आए? थोड़ी सी आगे और चल के आपको हम बताते हैं। वैसे आप देख सकते हो आज जाम कम है नहीं, दो बार हम आए ना इतना जाम मिला यहाँ पे, ऐसा लगता था उल्टा चले जाएं। और ये बौद्ध जी यहाँ पे लगाए हुए हैं, रौनक अलग ही बना रखी यूपी में सही में है। अरे यहीं तो ना गिरी है बिल्डिंग ना? अभी भाई रिसेंट टॉपिक ये चल रहा है ना कि बिल्डिंग गिरी सुपर टेक की कल, तो ऐसा लग रहा है आज उसी बिल्डिंग को देख ले। सेक्टर 19 में है, जेपी ग्रीन्स के पास में। पब्लिक ये जान रही है कि सुपरनोवा गिरी। भाई सुपरनोवा गिरेगी ना तो 10 दिन पहले नोएडा बंद हो जाएगा, कि बहुत बड़ी है, बहुत। तो भाई लोकेशन देख रहे हो पीछे, दिखाता हूँ। ये देखो है गजब। तो भाई हम आ गए हैं गगनचुंबी इमारतों के बीच में, नोएडा आ चुके हैं गाइस। और ये बिल्डिंग देखो, दिखाता हूँ साफ। ये देखो देख रहे हो, तो अभी सामने है हमारे जस्ट डीएलएफ मॉल, और हम डीएलएफ मॉल में जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ सामान देखने जा रहे हैं घर का। कैसा सरिया है, इतनी गंदी हंसी कैसे इतनी गंदी हंसी कैसे निकाल सकते हो आप? कमेंट में गंदी गंदी बातें आती हैं, फिर ये कहती मम्मी ऐसी कैसे हंसती है भाई। तो भाई सामने बिल्कुल डीएलएफ मॉल है और वहाँ से शॉट लेना शुरू करते हैं और इन्जॉय करो व्लॉग को। चलो ये सामने भाई गैलेरिया मॉल है, उससे आगे जीआईपी और यहाँ पे वाओ। अरे लड़ाई बाज की, उतरू बताओ उतरू। और ये भाई हरगर तिरंगा डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। ये इंस्टाग्राम पे जिसने नहीं देखा, मैंने रील भी बना रखी है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो फटाफट जाके भाई को, करते नहीं है देख जाते हो स्टोरी। ओहो यहाँ पे तो भीड़ लगी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है देखना गाइस। परियों की भीड़, गंदी बात करो लेडी। हाँ यहाँ 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 यहाँ। अरे ये कहाँ जा रहे हैं फिर? सामने ले लो दोनों लंग की पार्किंग ये। हाँ तो भाई भीड़ है यहाँ, जो बात है इसका मतलब हमको छुप के चलना पड़ेगा क्या? तो गाइस ये रही एंट्री डीएलएफ की, और आगे जाके दिखाता हूँ, दो मिनट रुक जाओ। सो गाइस ये रही डीएलएफ की एंट्री गेट, ये रही, ये रहा, हाँ ये रहा मार्क स्पेंसर्स कार्स वगैरह जो भी है यहाँ पे पार्किंग का। अरे कहाँ निकाल रहे हैं आज ये? अरे अरे हम तो शॉपिंग के नहीं आए यार, यहाँ लो ना, अब यहाँ लो, यहाँ लंग खिलो। अरे यार कैसे लोग हैं भाई ये, कैसे कैसे लोग हैं। चलो चलो आप चलते रहो आगे की तरफ। ये मॉल की भाई पीछे की बैक पार्किंग, अरे है भी कुछ ना है आज। अरे है तो भाई सिक्योरिटी गार्ड भैया थैंक्स आपका बहुत बड़ा। अरे भाई अरे गर्दन कहाँ गई तेरी भाई? इसमें इस मॉल की मैं आपको सबसे अच्छी जो कहते हैं ब्यूटी दिखाऊं, मतलब मॉल के पीछे देखो वेव की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये। सुपरनोवा के बाद सबसे बड़ी बिल्डिंग आती है, मतलब पूरा ब्लॉग गाड़ी में शूट कर दिया। मम्मी गाड़ी दिख रही। तो ये देखो भाई ये वेव की सबसे बड़ी बिल्डिंग इसके बिल्कुल बैक साइड में, और यही है सेक्टर 18। और सेक्टर 19 में वो सुपर टेक वाली बिल्डिंग गिरी थी। हाँ जी रेडी कितनी फुल मुँह में घुसा दिया कैमरा। तो भाई पार्किंग एक बार नोट कर लेते हैं, आप भी याद रख लेना P121। फादर साहब आ गए, अब ज़रा चलते हैं सीधा ऊपर। और हम जा रहे हैं पहले होम सेंटर में कुछ सामान देखने के लिए जाना है, तो पहले होम सेंटर जाने हैं। हैं जी पिलर सर नोट हो चुका है, डैडी पिलर पूछे ही नहीं, पता रावत सब पहले, छोटे रावत सब पहले नोट करके रख लेते हैं। चलो ऊपर चलते हैं। और भाई कैसा के लिए आ रही मन्ना का मार्केट घूमने का है? ये कॉमेडी है नहीं वाम है OMG मूवी में। तो भाई होम सेंटर में घुमाई चल रही है हमारी, मन पसंद आ गया ये ले ले क्या है? तो भाई हम देखने आए हैं, सही बता रहे यहाँ पे रिक्लाइनर सोफा,
और वो है उस साइड, तो हम पहले ना एक बार टूर ले रहे हैं सारे इसका। ये देखो सारा फर्नीचर वगैरह, ये देखो यहाँ पे, ये देखो पापा पे तो वाइन पे ही वाइन पे गया हाथ डायरेक्ट ही। और ये देखो यहाँ पे बहुत आइटम स्टॉक बहुत है, ये देखो कितने सुंदर सुंदर, ये देखो ग्लास के आइटम। और ये गाइस बेड है, और ये बेड है, और ये हम हैं, ये ठीक है, ये बेड है, ये तो बेड फाइनल ना कर ले, मुंह पे है भी ना। तो यार ये क्या बटन बटन कहाँ है ये तो है गाना भैया भैया को बुलाओ जरा फाइनल करवा दी, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ किसी को, बुलाओ खुद ही चले जा नीचे, इधर 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 कैसे करें पूछा है देख, ये दिखाओ ना डैडी बटन ढूंढ रहे भाई ढूंढा ढूंढ दवा जो खराब है ना गाड़ी गाड़ी गिर भी देनी पड़े हैं, करो 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 आ तुम ही देखे मैंने, करो 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 ना जल्दी करो, दे दे गाइस देख कैसी बेइज्जती करवाई जा रही करो करो दवा या बटन हाथ में दे इनके बटन हाथ में रख देंगे लेके, ये ऐसे लॉक हो जाता है, हो गया ना लॉक, दे दे हो गया, तो ऐसे है। अरे गाइस हमारी स्लीपर्स देख रहे हो आप, मम्मी पर्दे देख रही है, डैडी बटन देख रहे हैं, और हम सोफे वाले को देख रहे हैं कि कौन हमारे पास आए, और भाई हम उसे डिस्कस करें, रिक्लाइनर लेने के लिए आए हैं स्पेशल क्योंकि ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ जी कैसी हो, मुकेश बना रखा हो डैडी बैठे भाई, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि हमारी पलवल की डिलीवरी कोई नहीं देता, फरीदाबाद तक नोएडा तक तो चल जाता इनका अपना, पलवल तक कोई नहीं देता डिलीवरी, और ये जिन जिस हिसाब से इनका साइज है ना गाड़ी में भी नहीं आ रहे थे बताऊँ, अब एक बार फरीदाबाद देख कर आना पड़ेगा हमको, बड़े मायूस है भाई बहुत दूर आए। और बाकी आप एक बार अंदर का वो देख लो, हाँ जी दोबारा पूछ रहा हूँ क्या हो गया, हैप्पी नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये देखो गाइस वैसे रिक्लाइनर बहुत प्यारी प्यारी है, वो रे वहाँ पे भी ये रही, रेट भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, कहते ही ऐसे हैं बस मम्मी चैन ही रखनी पड़ेगी कहते डायरेक्ट ही हाँ यार अब कन्फ्यूज हैं, बताओ क्या करें सर बताओ, घर चलेंगे, घर चलेंगे सही कह रहे, घर जाने के आए वैसे तो हम यहाँ, दोबारा मौसम बना के आएंगे दोबारा मौसम बना के आएंगे भाई, रिक्लाइनर एक ये सामान उठा लो भाई वो थोड़ा सा, और ये रिक्लाइनर कुछ ये रे, बाकी यार मुश्किल ही है, चलो तो पहले किसी और में देख के आते हैं जो डिलीवरी दे दे घर तक की हमको, भैया बेटी उठी है, ओ भैया उठ गो, चल तू सोते रह कोई बात ना, हमें देख रहे कितनी दयालु हैं, अरे अरे रहेगी 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 बच के बच के बच के, मम्मी को देखो भाई क्या मस्त मगन होते जा रही है, हमें देखो भीड़ में बहुत ज़्यादा भाई, ज़िंदगी में इतनी बुरी कभी किसी के साथ ना हो, मतलब कभी ना हो किसी के साथ इतनी बुरी, देखो पौना घंटा हो गया भाई हमको, लाइट जला दो एक बार, पौना घंटा हो गया हमको गाड़ी ढूंढ ढूंढते, सारे पिलर में घूम लिए, जहाँ गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पे नहीं था, अरे पिलर नंबर कौन सा है यार अभी नोटिस ना करी ना, P210 हो कौन सा है यू भाई, इतनी बुरी 210 और 21 ढूंढ रहे जब से, क्योंकि हमने वही है ना व्लॉगर वाली बादशाह बन रहे थे, व्लॉग के हिसाब से चल रहे थे, 21 ही आ रहा था उसमें, 210 ही नहीं आ रहा था, तो भैया आज तो पसीनों में होगा, आज तो हमारे साल बहुत टॉक्सिक हो गया बहुत ज़्यादा, अब ज़रा हम भेल पूरी खा लेते हैं मम्मी के लिए स्पेशल, हल्दीराम से लाए हैं, मम्मी जी लीजिए पसीनों में स्नान करा हुआ हमारी माता जी ने, और हम जा रहे सीधे फरीदाबाद, क्योंकि रिक्लाइनर का भाई यहाँ पे कुछ था नहीं, तो देखते हैं भाई। और भाई बाहर निकलते हैं मॉल के, ऐसा मौसम हो रहा बिल्कुल, ओ भाई साहब मम्मी में ऊपर हुआ देखो, मतलब अलग ही मौसम हो रहा बिल्कुल, एकदम बारिश का और बिल्कुल अंधा मौसम जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल गंदा अंधार गंदा, और ये भाई मॉल को बोलते हैं बाय 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 मॉल, अब आपको मिलते कभी और अब जा रहे हम सीधे फरीदाबाद, फ्रंट दिखाऊँ आपको मॉल का, देख लो आज आप दर्शन कर ही लो फ्रंट के भी, ये देखो गाइस है सुंदर, और मम्मी मौसम बहुत ही प्यारा है रसोई में ना, ये तो अंदर जाके हम पसीने पसीने हो गए भाई, पार्किंग नहीं मिली है, एग्जिट एग्जिट हॉर्न मारो ना, ये क्यों खड़े हो तिल्ली तेरा मुंह में, हाँ ले अब करो ना हाथ, ये सुने ही हॉर्न दे हैं ये भाई, बारिश ने मौसम ना एक नंबर कर दिया बिल्कुल, ये देखो दिखाऊं, अरे दिखवा दो यार लॉक लगा रखा है भाई इन्होंने तो, कोई बात नहीं, जन्नत देख लो भाई जन्नत,
लेकिन जन्नत दिखेगी शीशे में यार, बारिश बहुत ज्यादा आ रही है तो इसलिए शीशा उतार नहीं सकता मैं। पर ये देखो यार, मतलब अलग ही लग रही। डैडी लॉक लगा रखा, डैडी लॉक खोल दे यार प्लीज, दोस्त लॉक खोल दे यार। और गाइस ओ और ये रही गाइस जन्नत, ये देख जल्दी देख लो फटाफट से, मतलब क्या ही लग रही है यार। देखो भाई भयंकर मौसम हो रहा है, एकदम भयंकर, मतलब इतनी भयंकर बारिश है। उधर का उधर का भी डेडिकेशन देख रहे भाई की, गाड़ी गीली कर लिया आपके लिए, इतनी भयंकर ब्लॉगिंग हो रही है बारिश जगह भाई। और मम्मी को देखा जो खाने में लग रही है, ये नहीं पूछ रही बच्चे भूख लगी कि नहीं लगी। ओ भाई भयंकर बारिश है, गजब बिल्कुल। आज हमारा आना सक्सेसफुल हुआ। वो फोन रिपीट को देखिए, देखो ओ यार देखिए आई जा रही चुप चुप, शर्म ना आवे। चलो गाइस मिलते हैं फरीदाबाद आपको, डायरेक्ट आप व्लॉगिंग नहीं करेंगे यार, गाड़ी पूरी भीग चुकी है हमारी। देखो ये देखो सीट वगैरह भाई, रे बारिश तो नाम नाम ही नहीं ले रही रुकने का। और ये देखो, अरे कौन खड़ा भैया, मम्मी पहचाना कौन? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? और ये देखो गाइस सुपरनोवा वाली बिल्डिंग जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको व्लॉग के, इसी बात पर लाइक ठोक दो आप एक व्लॉग में, और कमेंट कर देना कि भाई क्या बारिश दिखाई है आपने हमें नोएडा की। और बारिश ये देखो सामने, देखो जाम लगा पड़ा है, और वेलकम टू नोएडा तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। भाई कितनी पब्लिक खड़ी है देखो ये पिलर के यहाँ पे, ये रोड क्रॉस वाले जो बनाए जाते, कितनी पब्लिक है देखो। और ये निकलेगी जब भी जब बारिश बंद होगी, चाहे एक घंटा हो चाहे दो घंटा हो, हम ही बढ़िया भर रहे गाड़ी में कम से कम। सो गाइस जो हम जिस काम के लिए फरीदाबाद आए थे वो हो चुका है, म्यूजिक, और ये रहा वो हमारा काम। हाँ खुशी नजर आ रही है मम्मी के चेहरे पे। तब हम भाई अपने ट्रक में घर जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।